वेलकम बैक ऑन गुड वाइब्स विद हुसैन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग हमारा कुछ सरप्राइज ब्लॉग है। हम बॉम्बे आए थे इमरजेंसी कुछ ट्रीटमेंट के लिए और अब जा रहे हैं वापस कुएं। तो इस बार हमारे साथ में ट्रेवल कर रहे हैं मिस निदा मापारी। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रेवल विथ माई वाइफ। सेकेंड टाइम। तो अब हम निकल रहे जा रहे हैं। तो हमारी वीडियो अभी हमारे ब्लॉग की भी न्यू बिगनिंग है। अभी ब्लॉग की भी है, लाइफ की भी है, हर चीज़ की है। और अभी इंशाल्लाह ब्लॉग्स रेगुलर आएंगे। सो इस ब्लॉग को लास्ट तक देखना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाना। तो चलिए आपका हमारी मुंबई टू कुवैत की जर्नी बता दें। हम सबसे पहले एंट्री करते साथ में लगेज चेक इन काउंटर गए। उधर लगेज हमारा चेक इन किए और बोर्डिंग पास लेके सिक्योरिटी चेक इन के लिए आगे चले गए। अब लगेज चेक इन के बाद अब हम आए सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। काफ़ी बहुत गर्दी है आज, ठीक है। और हमारा फ्लाइट भी जल्दी है, 2:30 का था लेकिन अब 2:00 टेक ऑफ होगा। सो बहुत गर्दी है सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। हम लोगों का 1:30 का बोर्डिंग है बट अब तक हम सिक्योरिटी चेकिंग में फंसे हुए हैं। इतनी बड़ी लाइन है। आज वीकेंड होने की वजह से एयरपोर्ट पे काफ़ी भीड़ था और हमारा सिक्योरिटी चेकिंग अभी भी बहुत लाइन होने के बाद हमारा चेकिंग हुआ, अभी भी प्रोसेस में है। DSLR और लैपटॉप होने की वजह से चेकिंग में गया है। आप सिक्योरिटी चेक इन के बाद हम इमिग्रेशन काउंटर पे हैं। ये हमारा इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेकिंग और इमिग्रेशन हो गया और फ्लाइट भी जल्दी है। तो अभी हम जा रहे फ्लाइट में जा रहे अब हम फ्लाइट में। गेट नंबर 75। थोड़ा डिले हो चुका है क्योंकि बहुत गर्दी थी फ्लाइट में। अब गेट ढूंढना है, गेट बहुत चलना पड़ेगा 75 के लिए। गेट नंबर 75 ये हमारे बॉम्बे का ड्यूटी फ्री का है, फिर रेस्टोरेंट्स है। बहुत बहुत लेट हो गया। अब फ्लाइट भी रेडी है, सिर्फ हम लोग सेकंड लास्ट पैसेंजर थे। और अभी गेट के क्रॉस करके अभी जा रहे हैं प्लेन में, फिर मिलते हैं प्लेन में से आपको। اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل رواه مسلم حضرات المسافرين الكريم استخدامها في حالات الإخلاء
وفي حالة العقود الاضطرارية على المال يمكن استخدام 6 زلاقات من هذه الأبواب. So we are flying. फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद थोड़ा हम स्नूकर खेल रहे थे क्योंकि डिनर का टाइम था और प्लेन में डिनर दे रहे थे, तो जब तक हम सोचे थोड़ा स्नूकर खेलेंगे। तो जो कि स्नूकर खेलने में हम बहुत एक्सपर्ट है ऑन टेबल, लेकिन इस पे नहीं जम रहा था खेलने के लिए, तो फिर भी ट्राई किए और 2-3 गेम्स खेले और उसके बाद हमें डिनर मिला और डिनर करने के बाद हम थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। حضرات المسافرين الكرام، من اجل سلامتكم وسلامه الاخرين الرجاء ملازمه المقاعد مع ربط الاحزمه والالتزام بمقصوره السفر حتى تصل الطائره الى موقع الوقوف وتطفئ لوحه ربط الحزمه. So finally we are reached with Alhamdulillah.